हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टफ़ मूंग दाल चीला की रेसिपी। टेस्टी तो लगता ही है और साथ में ही ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स में आप ये बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मूंग दाल चीला बनाने के लिए हम एक कप धुली मूंग की दाल लेंगे और पानी से अच्छे से 2-3 बार धो लेंगे और उसके बाद हम इसको 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे और उसके बाद हम इसका पानी ड्रेन आउट कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि दाल सॉफ्ट हो गई है और अब हम दाल को ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और इसमें हम 2 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और 2-3 टेबलस्पून इसमें हम पानी डाल के इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि दाल को हमने बहुत अच्छे से पीस लिया है और अगर आपको ये थोड़ा थिक लगे तब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक बार और पीस लें। और अब हम इस दाल को एक बोल में डालेंगे। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल दें और नमक डाल दें। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। चीला के लिए बैटर ना तो बहुत थिक होना चाहिए और ना ही बहुत पतला। तो आप ये देख सकते हैं हमें इसकी इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। और अब हम स्टफिंग बनाएंगे। तो एक पैन में हम 1 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे और तेल जब गरम हो जाएगा इसमें हम 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें और इनको हम हल्का सा भून लेंगे। और थोड़ा भूनने के बाद इसमें हम 1/2 कप बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे। गाजर डाल के हम 2-3 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। हमें सब्जियों का टेस्ट थोड़ा क्रंची रखना है तो इसको ज़्यादा नहीं पकाएं। और उसके बाद इसमें हम 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और नमक डाल देंगे। और अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। शिमला मिर्च जल्दी पक जाती है तो इसीलिए हम बाद में डालेंगे। आप अपनी पसंद की इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं या फ्रेंच बीन्स भी डाल सकते हैं। फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद इसमें हम 3/4 कप पनीर ग्रेट करके डाल देंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल दें और अच्छे से मिला लें। स्टफिंग को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम चीला बनाना स्टार्ट करेंगे। तवा को हम गरम करेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ज़्यादा तेल आप नहीं डालें। और उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और 1 बड़ा चम्मच भरकर ये बैटर डालेंगे। बैटर डाल के हम ऐसे गोल गोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैटर को फैलाएंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े चीले बना सकते हैं। डोसा से हमें थोड़ा थिक रखना है और ध्यान रखें कि तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा तेल हम चारों ओर डाल देंगे। अब फ्लेम को हाई मीडियम करके हल्का सा ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे। तो थोड़ी देर के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि ये चारों ओर से थोड़ा क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम इसको पलट देंगे। हमें दोनों साइड से हल्का सा ब्राउन होने तक इसको सेकना है। तो अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम हल्का सा ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे। दूसरी साइड से भी जब हम इसको अच्छे से सेक लेंगे तो उसके बाद हम इसको फिर से पलट देंगे। और पलटने के बाद फ्लेम को लो कर दें और सेंटर में हम ऐसे स्टफिंग भरेंगे। तो 2 टेबलस्पून भर के इसमें स्टफिंग रख दें। और स्टफिंग डालने के बाद अब हम इसको दोनों साइड से ऐसे उठा के फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, एक साइड से फोल्ड करेंगे फिर दूसरी साइड से भी कर देंगे। हल्का सा इसको प्रेस कर लें ताकि जो स्टफिंग है ये सेट हो जाए। और ये हमारा स्टफ चीला बन के तैयार है। प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसी तरह हम बाकी के बैटर से भी चीले बना लेंगे। बनाते हुए ये ध्यान रखें कि जब आप ये बैटर डालेंगे तब तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इनको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी या टोमेटो केचप के साथ इनको सर्व कर सकते हैं।
तो इतने बैटर से आप आराम से 5-6 चीले बना सकते हैं। बनाना बिल्कुल आसान है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप ये हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और ट्राई करने के बाद अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।